हाँ तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस सेशन में हम बात करेंगे जो गुणधर्म है हमारे पास में हाइड्रोकार्बन्स के, उसके अंदर पहला दो थर्ड पार्ट आता है हमारे पास में। जो हमने दो पार्ट तो बात कर लिए है, एक बात की है दहन, दूसरा बात क्या है ऑक्सीकरण। तो तीसरा पार्ट हमारे पास में आता है संकलन। संकलन का मतलब होता है जुड़ना। तो संकलन जो टाइप के अभी रहे होंगी, इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास में डबल बॉन्ड वाले ईन वाले ग्रुप होते हैं, उनके अंदर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे एच, ये एच और ये आर। इस प्रकार से कोई एक हमारे पास एक सिविक दी हुई है बड़ी सेल, जिसके बीच में हमारे पास में डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके जब हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाई जाए और ये रिएक्शन हमारी निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो, अब ये बात करें कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो खुद तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। क्या तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को तेज करेंगे या फिर कम करेंगे, तो ये इनका उत्प्रेरक का काम होता है। जब इसकी H2 के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, तो ये तेजी के साथ में ये डबल बॉन्ड तोड़ देगा और ये बन जाएगा हमारे पास में सिंगल बॉन्ड। और बाकी पार्ट ऐसे कैसे, जहां से सिंगल बॉन्ड अलग हुआ है वहां पे हाइड्रोजन ग्रुप आगे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हमारी क्रिया होती है संकलन। संकलन का मतलब हुआ किसी डबल बॉन्ड वाली रासायनिक अभिक्रिया में, मतलब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन चेन के अंदर हाइड्रोजन जुड़ के उस चेन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करना। नेक्स्ट हमारे पास में आता है जिसके अंदर बात करें प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कोई एक ऐसा पदार्थ जो हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन में से अलग कर दे, तो वो अभिक्रिया हमारे पास में प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो इसके लिए एग्जांपल है हम CH4, जिसकी अभिक्रिया Cl2 के साथ में, और ये अभिक्रिया करवाई जाए सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी, तो ये यहां पे चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह पे जो ClCl है एक Cl आके जुड़ जाएगा इस स्थान पे, और ये हाइड्रोजन दूसरे Cl को लेके अलग हो जाएगा। तो ये हमारे पास मिल जाएगा CH3Cl+HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस आगे हम बात करेंगे एथेनॉल के गुणधर्म। हाँ तो हम बात करते हैं एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल के गुणधर्म अगर पहले बात करें भौतिक गुणधर्मों के बारे में, तो भौतिक गुणधर्म वे गुणधर्म होंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करें कि इसके भौतिकी गुणधर्म किस प्रकार से प्रदर्शित करता है। पहला, द्रव अवस्था में होगा, ये सामान्य ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। दूसरा, एल्कोहल जो होता है इसका सामान्य जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3CH2OH, जिसको एल्कोहल कहा जाता है सामान्य भाषा में। दूसरा, इसका गलनांक होता है 156 केल्विन, ये तो होगा इसका गलनांक। क्वथनांक इसका क्वथनांक होता है 351 केल्विन। अब इसके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में बात करें, अगर सोडियम इसकी एल्कोहल की सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा दी जाए, तो पहले बात करते हैं रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। CH3CH2OH अगर इसकी क्रिया सोडियम के साथ करवाई जाती है, तो यहां से H ग्रुप हट जाता है, जो H होता है OH के साथ में, और इसकी जगह पे Na आ जाता है, CH3CH2ONa। ये हमारे पास में एक पदार्थ प्राप्त होगा, सोडियम एथोक्साइड। इस प्रकार से आगे नेक्स्ट जो रासायनिक गुणधर्म आता है, जब एल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाए H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में निर्जलीकृत, इसमें से वाटर जो पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। तो क्या होगा कि यहां से H2O बाहर निकल जाएगा, कहां से, ये यहां से निकल जाएगा, और ये तीनों ग्रुप ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से इसके ऊपर जो तीन एच जुड़े हुए हैं इनमें से एक एच बाहर निकल जाएगा, यहां से ये एच और ये ओ एच दोनों बाहर निकाल देंगे H2O।
बचा हुआ पार्टिकल यहाँ पे दो एच बचे हुए हैं, यहाँ पे सी एच टू बचा हुआ, एक सिंगल बॉन्ड है, इसको भी एक बॉन्डिंग की जरूरत है और इसको भी एक बॉन्डिंग, तो ये बीच में एक बॉन्ड कवर हो जाएगा और ये बना देगा एच ई। आगे हम बात करें रासायनिक, इसके उपयोग क्या क्या है। हाँ, एथेनॉल के अगर उपयोग में हम बात करें तो बात करते हैं, पहला ये तो सबसे अच्छा विलायक के रूप में काम आता है, दूसरा टिंचर आयोडीन के रूप में इसको काम में लिया जाता है, कफ सिर्फ बनाने में, खांसी की जो दवाई होती है उसको बनाने में, इसके अलावा औषधि टॉनिक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इसके अलावा शराब का जो उद्योग होते हैं, शराब के जो कारखाने होते हैं, इसमें भी एथेनॉल का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है इसका उपयोग इन फ्यूचर में अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाएगा इसका प्रोएट्रोल के साथ में मिला के इसको ईंधन के तरह ईंधन में काम में ले जा रहे हैं, इसके अलावा कई कंट्री में इसको उपयोग भी किया जा रहा है। इसके अलावा एक बात करें एथेनॉल की जो हमारे शरीर पे होने वाले प्रभाव, इसके लिए हम एक पहले बात कर लें कि गन्ने का जो रस होता है उससे हम बनाते हैं पहले माइलेसस, ठीक है, और माइलेस का किण्वन करके हम नई जो एल्कोहल का एक फॉर्मेट है उसे प्राप्त करते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल को शराब के बनाने में काम में लिया जाता है, ये तो हमारे हो गया गन्ने से शराब प्राप्ति करने का, शराब को प्राप्त करने का तरीका। अलावा अगर बात की जाए कि यदि कोई व्यक्ति मैथेनॉल का ग्रहण करता है तो मैथेनॉल यकृत में जाकर ऑक्सीकृत हो जाएगी, ऑक्सीकृत होने के बाद में वो बदल जाएगा मैथेनॉल के अंदर, तो और ये मैथेनॉल हमारे लिए विषैला पदार्थ होता है इसलिए ये हानिकारक होता है। की बात करूं मैं तो इसका सामान्य जो नाम है वो होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इसका सामान्य नाम हो गया। अगर इसके सूत्र की बात करूं तो इसका सूत्र होगा CH3C(OH)। इसके गलनांक होता है 290 केल्विन, इसका क्वथनांक होता है 391 केल्विन। एसिटिक अम्ल का 3 से 4% सॉल्यूशन जल के साथ में जो सॉल्यूशन 3 से 4% का जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारे पास में सिरका कहलाता है। अगर बात करें तो सब्जियों में जम जाता है इसलिए इसे गलेसर अम्ल कहते हैं और ये एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसके अंदर CHOOH ग्रुप जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म में अगर बात करें तो सबसे पहला आता है एस्टरीकरण का निर्माण, यह एस्टरीकरण एस्टर का निर्माण, ठीक है। तो इसके अंदर बात करें कि हमारे पास में CH3COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल की जब रासायनिक अभिक्रिया करवा दी जाए एल्कोहल के साथ, यह अभिक्रिया जल उष्ण की उपस्थिति में, मतलब पानी जब गर्म कर रहे हो पानी गर्म पानी के अंदर इसको प्रक्रिया के रूप में इस रिएक्शन को करवाएंगे, जैसे एक बीकर में हम पानी गर्म कर रहे हैं प्रक्रिया के अंदर, ये सारा हमारे पास में सोल्यूशन है कौन कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथेनॉल। जब इसकी रिएक्शन कुछ मात्रा में अम्ल की उपस्थिति में ये एच ग्रुप बाहर निकल जाएगा और यहां से ओ एच ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये दोनों जुड़ के H2O का निर्माण करेंगे जल का, और बाकी बचा हुआ पार्ट ये पार्ट इसके यहां पे आगे जुड़ जाएगा, ये बनाएगा CH3COOH CH2CH3, तो ये हमारे पास में एस्टर कहलाता है। और इस प्रकार की क्रिया को जिस अभिक्रिया में एस्टर का निर्माण हो वह अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक है। आगे हम बात करें साबुनीकरण का निर्माण या साबुनीकरण, इसके अंदर जो हमने एस्टर प्राप्त किया है इस एस्टर की अगर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दी जाए तो ये पार्ट हमारे पास में अलग अलग टूट जाएगा, इस पार्ट के साथ में तो आ जाएगा सोडियम, इस पार्ट के साथ में जुड़ जाएगा OH, OH इस पार्ट के साथ में जुड़कर ये तो बना देगा एथेनॉल, इस पार्ट में CH3COOH के साथ में जुड़कर ये बना देगा साबुन, ये और ये अभिक्रिया हमारे पास में साबुनीकरण कहलाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एथेनॉल अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो लवण और जल का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया के अंदर यह हमारे पास में एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाई तो यह हमारे पास में OH इस H के साथ में जुड़कर H2O का निर्माण कर देगा और यह सोडियम के साथ जुड़ जाएगा CH3COOHNa के साथ जुड़कर सोडियम एसिटेट बनाएगा। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब
एसिटिक अम्ल की रिएक्शन करवाई जाए सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। तो पहले हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या होता है, इसमें होता क्या है कि यहां से ये एच अलग हो जाता है और यहां से एन ए इसके साथ जुड़कर बना देता है सी एच थ्री सी ओ ओ एन ए। अब यहां से जो एच अलग हुआ है वो यहां से ओ एच ग्रुप ओ ग्रुप लेके ये तो बना देगा हमारे पास में एच टू। बचा हुआ जो पार्ट है यहां से जो सी एच थ्री सी निकला था इससे एक ओ बाहर निकल जाएगा बचा सी ओ टू, ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो ये पार्ट यहां से जो निकलेगा CO3 ये तो बन जाएगा CO2 एक O बाहर निकल जाएगा, यहां से ये H बाहर निकल जाएगा एक H यहां से बाहर निकल जाएगा। तो ये तीनों पार्ट मिलके ये तीनों पार्ट मिलके तो बना देंगे H2O और बचा ये पार्ट इसके साथ जुड़के बना देगा सोडियम एसिटेट। इसी प्रकार से अगर इसके उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग किया जाता है इत्र जो उद्योग होते हैं उनमें परफ्यूम बनाने में, दूसरा स्वाद के उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है जो स्वीट्स में एक स्वाद उत्पन्न करने का एक स्मेल उत्पन्न की जाती है वो इसी के द्वारा की जाती है। इसके अलावा अचार मुरब्बा इन सब में भी इसका उपयोग किया जाता है और रबड़ निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक बता है हमारे पास है साबुन अपमार्जक और मिश्रित। साबुन अगर बात करूं मैं साबुन हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोकार्बोनेट होते हैं एसीटेट के साथ में अगर हमारे पास में सोडियम जुड़ जाता है तो वो हमारे पास में साबुन का निर्माण करता है, जो हमने साबुनीकरण में अभी जस्ट पढ़ा था कि साबुन का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके अलावा अपमार्जक और ये साबुन जो दोनों ही चीजें होती है हाइड्रोकार्बन के बड़ी श्रृंखला वाले पार्ट होते हैं कार्बन 10 से बड़े, इनके अंदर कार्बन की जो मात्रा होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, ये हमारे पास में साबुन कहलाता है। ठीक है, ये बड़ी श्रृंखला की रूप में उपस्थित होगा। तो इसके अलावा एक टॉपिक आता है मिसेल। ठीक है, तो मिसेल के अंदर हम बात करें मिसेल एक कार्बनिक जो सोडियम वाला पार्ट है इसका साबुन का ये पार्ट कार्बन श्रृंखला के लास्ट छोर पे होता है। और ये जो मैल को पकड़ लेता है जो गंदगी को पकड़ लेता है कपड़ों की गंदगी को जब पानी में इसे घोला जाता है साबुन को या अपमार्जक को तो कपड़ों से गंदगी को उठा के सतह पे लाने का कार्य करता है और ये क्रिया हमारे पास में मिसेल कहलाती है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर दी एंड हुआ।